ये क्या कहेंगे आज समाल गांव में जो किसान टंकी पर चढ़े हैं और पूरा गांव यहां पर खड़ा है, क्या कहना है आपके, पानी यहां पर नहीं पहुंच रहा जी। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया के लोग जो हमारे गांव में पहुंचे हैं, हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे गांव में सिरसा जिला का एक बहुत बड़ा गाँव है, राजनीतिक लोग आते हैं अपनी रोटियां सेकने के लिए। हमारे गांव में 7,500 के करीब वोट हैं। एक एमएलए की हार जीत का फैसला जमाल गांव करता है। 1947 में भारत देश आजाद हुआ था, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं ये भी कहते हैं, और हम 45 साल उम्र तो मेरी हो चुकी, आज तक तो हमने ना जमाल टेल पानी देखा, ना कुताना माइनर पर पानी। 12 साल से ये जो ओटू हेड मंगाला डायरेक्टर बनी हुई है फलड्डी पानी के लिए, नेता लोग आते हैं बार बार आश्वासन देते हैं कि इसकी खुदाई होगी, इसकी बंदाई होगी, पानी पाकिस्तान में चला गया, वहां प्रशासन को मुआवजा देना पड़ेगा उन लोगों को। और हमारी खेती आज सूख कर राख हो चुकी है। हमारे गांव में पीने तक आप प्रत्यक्ष में प्रमाण की जरूरत नहीं, आप मौका देख सकते हैं। आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये हमारी बात सरकार तक पहुंचाए, हमारे टैंक खाली है। मैं तो सरकार और प्रशासन से यही मांग करता हूं कि जमाल गाँव को एलनाबाद क्षेत्र से काट करके सिरसा जिला से निकाल करके नोर बादरा में मिला देना तो बहुत अच्छा होगा। हम राजस्थान से पानी लेकर के आते हैं, 500 रुपए एक टैंकर के लगते हैं। हमारे गांव में 16-17 सप्लाई है, अगर एक सप्लाई में नंबर आता है 7 दिनों से सप्लाई चलती है। गांव में पीने का पानी नहीं है तो खेतों में कहां से लगेगा। इस सरकार ने हमारी कोई सुध नहीं ली, ना किसी नेता ने ली, आश्वासन दे करके और मीठी गोली भाई रबड़ वाली भाई देगे जय नाली में जागे देखो, इतनी गुंडी हालात है, इतनो कचरो खड़े है, ना घड़ी सफाई है, ना कोई और है। ये सरकार और प्रशासन में दुखिया सरकार मांग करा कि हमारी दोनों नहर मंगाला डायरेक्टर फलडी जो नहर है आज जल्दी जल्दी हमारे टेल पर पानी पहुंचाया जाए। देखो जो परमात्मा राजी हो तो राज मारो पुंजल कौन पड़े, और परमात्मा ही रूस रहे है। हमारी फसल ठीक ही परमात्मा का भरोसा ही, लेकिन प्रशासन माने पानी कौन दियो। कल हमारे गाँव में मीटिंग हुई, जमाल गांव की मीटिंग हुई, वे मीटिंग में फैसलो लियो भी राजनीति के मुद्दा ऊपर उठ गए और अपन फैसलो लेना चाहिए। हमारे गांव एक जिला परिषद को नंदलाल बेनीवाल जिला परिषद सदस्य है, सरपंच प्रतिनिधि, सारे गांव फैसलो लियो, अपन पार्टी बाजी ऊपर उठ गए और वो टंकी पर चढ़ाऊंगा वो फैसलो लियांगा। अगर सरकार प्रशासन हमारी बात ना सुनी तो बहुत बड़ो आंदोलन होगा, वो झुका को नहीं पानी लियांगा, हमारी पानी की बात है, मानो तीनों नहर पानी चाहिए। हमारे तो भैया पानी की समस्या है, देखो दो नहर है एक नाली है, कत्ते ही कह देनी पानी काम ही कोनी। अफसर ने जाके जोर मार लियो, हाँ का कद आ जाएगा परसों आ जाएगा, चौथे महीने सरकार पीछा करे बांगा कागज देखे दे पूरा कर दिया, मारी नाली के ऊपर कभी कोई मशीन कौन लगे पानी को कराओ। पाकिस्तान में पानी पूगियो जमाल 15 किलोमीटर हेठे पानी कौन ए डिग्गी पीड़ी खाली सारी बाटर बक्सी डिग्गी है खाली है, ना नहरा मावे ना बात अफसर वह मिट्टी गोली दे कल आ जाएगा परसों आ जाएगा आने की गोनी। मैं 80 साल हो गयो, 80 साल हो गया माने बीतता ने, अब मैं ले आया तो कहा मैं वोट लेगा देखेगा यहाँ कर दिया यहाँ कर दिया मुड़ गया आपके ले जाए सो जाए नाम ही खोल ले चाहे मरो जियो। आ कहानी हो रही है गांव की, बटर बक्स देखो तीनों चारों डिग्गी है बैठे हटे ये पानी पीने वालों है, तुम 700 रुपया टैंकर का देगी और किसान पानी पीने लाग रही है। तो आ समस्या है